नमस्कार, अवध न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी तराई की तलहटी में असलहों की खेती धड़ल्ले से की जा रही। आपको बता दें कि निगासन कोतवाली क्षेत्र की इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने अवैध वेपन नहीं, बल्कि निगासन के तेलियार गांजर में तैयार की गई देसी असलहों की खेप है, जो पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार के आदेश पर असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। निगासन कोतवाली पुलिस ने दर्जनों की तादाद में पकड़े गए तमंचों के साथ एक देसी राइफल और कारतूस, अधबने तमंचों के साथ असलहों की फैक्ट्री चला रहे दो लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक की माने तो पूरे जनपद में चलाए जा रहे इस अभियान में और भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अगर इनकी खरीद फरोख्त की बात की जाए या खीरी जनपद के आसपास के जिलों में इन असलहों की सप्लाई की जाती रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो इन असलहों को प्रधानी के चुनावों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। थाना निगासन में जनपद लखीमपुर खीरी के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है भंडारी उर्फ जगत नारायण, दूसरे है राम मिलन बुल्लो। इनके पास से एक अदद राइफल, 5 तमंचा 315 बोर, एक अदद बंदूक, 1 तमंचा 312 बोर निर्मित, 3 तमंचे 315 बोर अर्धनिर्मित, 2 नाल 315 बोर, 3 नाल एक अदद बेटी अर्धनिर्मित, शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण, हथौड़ी, संडासी, रेती, कटर और ड्रिल मशीन, ये सब कुछ इनके पास बरामद हुआ है। इसके संबंध में इस अवैध शस्त्र जो फैक्ट्री है जो चला रहे थे भंडारी और राममिलन, इसके संबंध में धारा 5/25 आयुध अधिनियम के तहत थाना निगासन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस इनको गिरफ्तार करने वाली जो टीम है उनको इसमें प्रभारी निरीक्षक श्री डीके सिंह हैं, जो एसओ निगासन है। इस टीम को 5,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ।